मुंबई में पार्टी में शामिल होने आया युवक का शव बिल्डिंग की सीढ़ियों पर पड़ा मिला। इसी बिल्डिंग में बॉलीवुड के एक्टर आदित्य पंचोली भी रहते हैं। मुंबई के वर्सोवा में बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 302 में एक पार्टी थी जिसमें शामिल होने के लिए शख्स आया था। युवक के सिर पर चोट के निशान है, फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ 15 बार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। युवक के परिजनों से पूछताछ के बाद पता चला है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। पाकिस्तान ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को पहली बार कबूल किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान ने कहा है कि दाऊद को पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया है। नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान ने संकेत दिया है कि माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई में हो सकता है। भारत से संबंध बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष दूत ने कहा कि इस तरह के गैंगस्टर्स को अपने देश में गतिविधियां चलाने नहीं दे सकते। मुंबई हमले का आरोपी लश्कर चीफ हाफिज सईद दिल्ली में आतंकी हमला करवा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बारे में दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है जिसके बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद ने कल लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खुलेआम ईद की प्रार्थना सभा की अगुवाई की। यहां फिर हाफिज ने भारत को धमकाया। दिल्ली में चांदनी चौक, इंडिया गेट और अक्षरधाम मंदिर समेत सभी संवेदनशील सार्वजनिक जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी देश के पश्चिमी तट के पास सुरक्षा बढ़ा दी है। एलओसी पर शहीद हुए विजय राय की पत्नी 6 साल का मासूम और परिवार के कई सदस्य कल शाम से ही अनशन पर बैठकर पटना में बिहटा के ठेकहा गांव में कई घंटे तक नारेबाजी और प्रदर्शन चलता रहा। शहीद विजय राय के परिवार की मांग है कि सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह उनसे मिलने आए और भरोसा दिलाएं कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। छपरा के शहीद के गांव वालों ने गुस्से में आग बबूला होकर नीतीश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री गौतम सिंह को बंधक बना लिया। गांव वालों ने कहा जब तक मुख्यमंत्री जी ना आए इन्हें जाने नहीं देंगे। पुंछ में हुए पाकिस्तानी हमले के खिलाफ गुस्सा आए लोगों ने लाहौर दिल्ली बस सेवा के खिलाफ प्रदर्शन किया। लाहौर से आ रही बस को लोगों ने रास्ता जाम कर रोक दिया। जम्मू के किश्तवाड़ में हिंसा के बाद वहां के डीसी और एसपी को हटा दिया गया है। किश्तवाड़ में भड़की हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई थी और कम से कम 24 घायल हो गए थे। बीजेपी की सुराज्य संकल्प यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गाड़ी पर हमला हो गया। दरअसल स्थानीय नेता दिनेश यादव और उनके समर्थक सुबह से ही वसुंधरा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वो मंच पर नहीं गए तो समर्थक उग्र हो गए। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद तेजाबी हमले रुक नहीं रहे। पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में तेजाब के हमले में 21 साल की युवती की बाह चल गई। शिरडी पुलिस ने 20 दिनों के अंदर 6 भिखारियों की हत्या करने वाले सीरियल साइको किलर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। राजस्थान के जयपुर पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर मिली अधजली लाश की मुड़ मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया है। रेलवे ट्रैक पर मिली लाश कुश्ती खिलाड़ी की थी जिसकी हत्या उसी के प्रेमी ने की। भुवनेश्वर में रेप पीड़ित लड़की की मौत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार से इंसाफ की मांग की। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में बारिश से बचने के लिए एसी कार के अंदर गए बेटे की मौत हो गई है। कार में एसी से जहरीली गैस निकल रही थी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने महिला अधिकारों के लिए मुंबई में कविता पाठ किया। तेंदुलकर ने मराठी में कविता पढ़कर महिला अधिकारों के प्रति पुरुषों को जागरूक करने की कोशिश की।